What's up guys, Sanjot Kir here, welcome to IFL. Eggless burger buns घर पे कैसे बनाते हैं वो आज आपको बताने वाला हूँ। जब भी हम बर्गर बनाते हैं या जब भी मैंने आज दिन तक बर्गर की रेसिपी आपके साथ शेयर की है तो यूजुअली हम पैटी की खाली रेसिपी बता देते हैं, बर्गर बंस बता देते हैं कि रेडीमेड यूज़ कर लो। बट एक अच्छे बर्गर के लिए दोनों ही चीज़ें इक्वली इंपॉर्टेंट है। जितनी पैटी इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट बर्गर बन होता है, जो ब्रेड होती है, क्योंकि वो दोनों चीज़ें मिलकर ही एक परफेक्ट बर्गर बनता है। तो वही परफेक्ट बर्गर बन घर पर कैसे बनाना है वो भी एगलेस वो बताने वाला हूँ। अब काफ़ी लोगों को ईस्ट यूज़ करने से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मुझे पता है, फॉलोअर्स हैं, जिनके पास ओवन्स हैं, आपने इन्वेस्ट कर रखा है लेकिन आप यूज़ नहीं करते हो। मैं कई सारे लोगों के घर पे जाता हूँ और ओवन जो है वो बस कपड़े के अंदर ढक के पड़ा होता है। तो ओवन को यूज़ करना है आपको क्योंकि आपने खरीदा है। सो आई वॉन्ट यू टू यूज़ योर ओवन्स, आई वॉन्ट यू टू यूज़ ईस्ट एट योर होम। तो ये सारी चीज़ें एकदम डिटेल में बताऊँगा कि आप आसानी से ये रेसिपी अपने घर पर बना पाए। बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से बताने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी डालने वाला हूँ जो आप सभी के घर पे 100% अभी के अभी भी अवेलेबल होगा और उससे हमारे बर्गर बंस एकदम सॉफ्ट और एकदम फ्लफी बनेंगे। तो बर्गर बंस एगलेस घर पर कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। एक बोल में 150 ml गुनगुना पानी ले लीजिए, साथ ही में आधा टीस्पून शक्कर ऐड कर दीजिए। अब शक्कर और पानी को आपको अच्छे से मिक्स करना है जब तक कि शक्कर जो है वो डिज़ोल्व नहीं हो जाती है। एक बार शक्कर डिजॉल्व हो जाए तब इसके अंदर 6 ग्राम या आधा टेबल स्पून इंस्टेंट ईस्ट ऐड करना है। ईस्ट ऐड करके फिर से एक फोर्क की मदद से अच्छे से स्टर कर लीजिए ताकि जो ईस्ट है वो अच्छे से डिजॉल्व हो जाए। एक बार ईस्ट भी डिजॉल्व हो गई इसे एक क्लिंग रैप से ढक दीजिए और लगभग 7 से 8 मिनट तक इसको रेस्ट करने देना है ताकि जो ईस्ट है वो थोड़ी सी ग्रो हो जाए, एक्टिव हो जाए और ऊपर एक फ्रॉथ का लेयर आ जाए। 7-8 मिनट बाद आप देख सकते हो ईस्ट जो है ऊपर ऐसे एकदम फ्रॉथी हो गई है, यानी कि हमारा ईस्ट जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। तो हमने यहाँ पर ईस्ट का मिक्सचर तैयार कर लिया है। कोई भी ब्रेड जब बनाते हो ईस्ट जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है। यही जो है एक इंग्रेडिएंट जो आपकी ब्रेड में एयर इनकॉर्पोरेट करेगा, इसे वो एक फ्लफीनेस देगा और ईस्ट को बराबर से यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ईस्ट कई तरीकों की होती है, एक तो फ्रेश ईस्ट होती है, एक एक्टिव ड्राई ईस्ट होती है और एक इंस्टेंट ईस्ट होती है। हमने आज इंस्टेंट ईस्ट यूज़ किया है। अब फ्रेश ईस्ट घर पे यूज़ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि बड़े ब्लॉक्स मिलते हैं, तो दो ऑप्शन रह जाते हैं यूजुअली घर पे यूज़ करने के लिए, एक एक्टिव ड्राई ईस्ट है और एक इंस्टेंट ईस्ट है। अब ये दोनों ईस्ट में फ़र्क क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। एक्टिव ड्राई ईस्ट जो होता है उसको आपको एक्टिवेट करना पड़ता है। हमने जैसे आज इंस्टेंट ईस्ट को भी एक्टिवेट किया है, यही सेम तरीका है एक्टिव ड्राई ईस्ट को भी एक्टिवेट करने का कि आप वार्म वाटर लीजिए और उसके अंदर शक्कर डालिए, ईस्ट डालिए, उसको अच्छे से डिसॉल्व कीजिए और फिर रेस्ट करने दीजिए ताकि ईस्ट एक्टिवेट हो जाए। इंस्टेंट ईस्ट में एक्चुअली ये प्रोसेस करना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आप ईस्ट को डायरेक्टली भी डो में मिक्स कर सकते हो और वो अपना काम करना शुरू कर देता है। मैंने ये तरीका आपको क्यों बता दिया है कि आप अगर एक्टिव ड्राई ईस्ट भी यूज़ कर रहे हैं तो सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। क्वांटिटीज़ भी यूजुअली अलग अलग हो जाती हैं। एक्टिव ड्राई ईस्ट अगर आप 1 टेबल स्पून यूज़ कर रहे हो तो इंटू 1.25 आपको करना है। तो 1 टेबल स्पून इज इक्वल्स टू 1.25 टेबल स्पून्स ऑफ एक्टिव ड्राई ईस्ट। तो इंस्टेंट ईस्ट जो होता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा आपको एक्टिव ड्राई ईस्ट यूज़ करना पड़ता है। एक्टिव ड्राई ईस्ट जो है वो काफ़ी अनस्टेबल होती है और बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो कई बार आप देखेंगे कि आप ये प्रोसेस करें गर्म पानी शक्कर और ईस्ट वाला और ऊपर फ्रॉथ ही नहीं आए, यानी कि आपकी जो ईस्ट है वो डेड हो गई है, उसे आपको यूज़ नहीं करना है आगे क्योंकि आप सब चीज़ों को मिलाएंगे और वो राइज ही नहीं होगा डो और सारा चीज़ जो है आपकी सारे सामान है इंग्रेडिएंट्स ख़राब हो जाएंगे। तो अगर ऐसा होता है आप एक्टिव ड्राई ईस्ट यूज़ कर रहे हो और फ्रॉथ नहीं आ रही है तो आप ईस्ट को चेंज कर दीजिए, नई ईस्ट को लेके आइए और यूज़ कीजिए, नहीं तो कोई प्रोसेस करने का फ़ायदा नहीं है। तो मैं प्रेफर करता हूँ हमेशा घर पे इंस्टेंट ड्राई ईस्ट यूज़ करने को क्योंकि ये हमेशा हर बार एकदम परफेक्टली काम करती है और राइस भी जो है आपको डो को वो जल्दी दे देती है। तो आप प्रेफर कीजिए इंस्टेंट ड्राई ईस्ट यूज़ करने को जैसे मैंने आज किया है। और इंस्टेंट ड्राई ईस्ट को यूज़ करना बहुत आसान है, आपने देखा, सिर्फ वार्म वाटर लेना है, शक्कर लेनी है, ईस्ट लेनी है और काम आपका हो जाएगा। जो पानी का टेम्परेचर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो पानी है बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो ईस्ट को किल कर देगा, और ठंडा है तो एक्टिवेट करने में ईस्ट में प्रॉब्लम हो जाती है। जो शक्कर है वो खाना है ईस्ट का, तो ईस्ट को जब ये शक्कर मिलेगी वार्म वाटर में, वो टेम्परेचर मिलेगा तो ईस्ट जो है शक्कर को खाना शुरू कर देगी और वो अपना काम करना शुरू कर देगी। तो ये बेसिक जो साइंस है इसकी वजह से आपके जो डो में है एयर इनकॉर्पोरेट होना शुरू हो जाती है। मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, इतना आपने अगर समझ लिया है तो ईस्ट को आप बहुत ईजिली आप हर रेसिपी में यूज़ कर पाओगे। तो ईस्ट वाला हमारा काम हो गया है। नेक्स्ट अभी हमें डो लगाना है हमारे बर्गर बंस का। तो डो कैसे इसका नीड करना है, इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या पड़ते हैं वो देख लेते हैं।
तो यहाँ पर मैंने एक 80-85 ग्राम्स का बॉइल्ड पटेटो ले लिया है, आलू ले लिया है। ये हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जिससे हमारे बंस एकदम फ्लफी बनेंगे। तो इस आलू को एक स्पैचुला की मदद से अच्छे से आपको मैश कर लेना है। इसके बड़े बड़े ग्रेन्स बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए, एकदम स्मूथ और फाइन टेक्सचर हो जाना चाहिए आपके आलू का। आप देख सकते हो मैंने आलू को अच्छे से एकदम मैश कर लिया है, बिल्कुल भी ग्रेन्स नहीं है इसमें, ऐसी कंसिस्टेंसी आ जानी चाहिए और ये हमारे डो को स्टार्च प्रोवाइड करेगा। अब इसके अंदर 320 ग्राम्स मैदा ऐड करना है, 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करना है और अच्छे से सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला लेना है। एक बार सारे इंग्रेडिएंट्स मिल जाए इसके अंदर वाटर और ईस्ट वाला मिक्सचर ऐड कर दीजिए। अब ये सारी चीज़ों को आपको अच्छे से कंबाइन कर लेना है, जो आपका डो है वो बस एक साथ आ जाए तब तक इसको मिक्स करना है। इस स्टेज पर आपको ज़्यादा नीड नहीं करना है। एक बार सारी चीज़ें अच्छे से कंबाइन हो जाए तो इस डो को आपको प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रांसफ़र कर देना है ईजिली नीड करने के लिए। इस स्टेज पर यहाँ पर बस इसको हल्का सा इस तरीके से मिक्स कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं 25 ग्राम सॉफ्ट अनसॉल्टेड बटर ऐड करने वाला हूँ डो के अंदर दो पोर्शंस में। तो पहला आधा बटर ऐड कर दीजिए, इस तरीके से फोल्ड किया, अच्छे से अभी डो को नीड कीजिए जब तक ये जो डो है ये बटर को अच्छे से अब्सॉर्ब नहीं कर ले। एक बार आपको लगे ऐसे कि बटर अच्छी तरीके से अब्सॉर्ब हो गया है तो बाकी का आधा भी बटर डाल दीजिए और सेम प्रोसेस को कंटिन्यू कीजिए जब तक कि बटर आपका अब्सॉर्ब नहीं होता। इसको अच्छे से आपको नीड कर लेना है। एक बार सारा बटर अच्छे से अब्सॉर्ब कर ले आपका डो, तभी आपको करना क्या है, आपको इस तरीके से इसको स्ट्रेच और फोल्ड करना है। यानी कि एक हाथ से आपको ऐसे पकड़ना है आटे को, दूसरे हाथ के इस तरीके से हील से आपको अच्छे से इसको स्ट्रेच करना है, अच्छे से नीड करना है और वापस से ऊपर लाकर इसको फोल्ड कर देना है। इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए स्ट्रेच कीजिए, अच्छे से फोल्ड करके नीड कीजिए इसको। जब ये आप नीड करोगे अच्छे से 7-8 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, तो डो के अंदर ग्लूटेन डेवलप होता है, एक प्रोटीन होता है जिससे स्ट्रेचिनेस आती है डो में। ग्लूटेन डेवलप होना बहुत ज़रूरी है, तो ही आपकी जो ब्रेड्स हैं वो अच्छे से बनती हैं, तो ही आपका जो बर्गर बने वो अच्छे से बनेगा। 7-8 मिनट जब आप अच्छे से इस डो को नीड करोगे, डो आपका एकदम स्मूथ हो जाएगा, एकदम स्ट्रेची हो जाएगा और एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। 7-8 मिनट के लिए अच्छे से इस डो को नीड कर लीजिए। नीडिंग के बाद मैं यहाँ पर चेक करने वाला हूँ कि डो हमारा रेडी हुआ है कि नहीं। तो थोड़ा सा डो ले लीजिए इस तरीके से, उसको अपने हाथों से इस तरीके से आपको स्ट्रेच करना और देखना है कि बीच में एक ट्रांसलूसेंट विंडो बन रही है कि नहीं, इसे ग्लूटेन विंडो कहा जाता है। आप देख रहे हो कि मैंने जैसे ही स्ट्रेच किया है फट गया, यानी कि डो रेडी नहीं हुआ है, इसे और नीड कर रहा हूँ। लगभग 10-12 मिनट नीड करने के बाद डो और सॉफ्ट और स्ट्रेची हो गया है, तो ग्लूटेन विंडो को फिर से चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा डो ले लीजिए, फिर से वही प्रोसेस, एक विंडो बना के देखिए और आप देख सकते हो अभी डो कितने अच्छे से स्ट्रेच हो रहा है, एक ट्रांसलूसेंट सी लेयर बन रही है जिसे ग्लूटेन विंडो कहा जाता है, यानी कि हमारा डो रेडी हो गया। डो का अभी एक बड़ा सा राउंडल तैयार कर लीजिए। अभी एक बोल ले लीजिए, बोल में तेल डालिए कि डो हमारा चिपके नहीं बोल को, डो को बोल के अंदर प्लेस कर दीजिए, ऊपर से थोड़ा सा और तेल लगा दीजिए। अब क्लिंग रैप लगाकर आपको डो को प्रूफ करने रखना है। तो डो को हमने प्रूफ होने रख दिया, अभी प्रूफ होने रख दिया मतलब इसको राइज होने रख दिया है। जो ईस्ट हमने डाला है वो क्या है, धीरे धीरे से बढ़ेगी, रिएक्ट करेगी और उसमें से गैसेस निकलेंगी और फिर हमारा जो डो है वो राइज होके डबल हो जाएगा, फूक जाएगा, तो इसको प्रूविंग कहा जाता है। इससे क्या होगा, हमारे डो के अंदर एयर इनकॉर्पोरेट होगी और काफ़ी फ्लफी और स्पॉन्जी हमारा डो बन जाएगा। लगभग 1-1.5 घंटा लग जाता है, आप चेक करिए, जैसे ही आपका डो का साइज डबल हो जाएगा उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप करना है। तो 1-1.5 घंटा अभी हो चुका है, चेक कर लेते हैं हमारे डो को। तो आप देख सकते हो डो हमारा एकदम अच्छे से राइज हो गया, एकदम अच्छे से फूल गया है। अब इस डो को हमको आगे शेप करना है, अपने हाथ से इस तरीके से पंच करके इसकी हवा आपको निकाल देनी है। हवा निकालने के बाद डो को निकाल कर प्लेटफॉर्म पर रख दीजिए। अब इसे हमें डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के लिए ऐसे छोटे छोटे पोर्शंस कट कर लीजिए। इक्वल साइज़ के बर्गर बंस बनाने के लिए मैं रेकमेंड करता हूँ कि इसको वे कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं लगभग 80 ग्राम्स के बंस बना रहा हूँ, आप 80-90 ग्राम्स के बीच में रख सकते हैं, इस डो को डिवाइड कर सकते हैं। ऑन एन एवरेज 7 बर्गर बंस आपके बन जाते हैं इस डो की क्वांटिटी से। तो इसी तरीके से सारे डो को पहले वेट के हिसाब से डिवाइड कर लीजिए। तो एक बार आपने डो को डिवाइड कर लिया है तो सारे डो को आपको एक डैम्प क्लॉथ से ढक के रखना है कि डो का जो सरफेस है वो ड्राई आउट नहीं हो जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डो के डो बॉल्स कैसे बनाने वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ऐसे एक पोर्शन ले लीजिए, इसका जो ऊपर का सर्फेस है इसको उल्टा करके प्लेटफॉर्म की तरफ कर लीजिए। अब इसके जो साइड्स हैं इसको इस तरीके से बीच में लाकर आपको एक टाइट डो बॉल बनाना है। इसकी जो सर्फेस है एकदम टाइट होना चाहिए, तो बस ऐसे खींच खींच के बीच में लाइए
लीजिए, बीच में लाने के बाद इसको ऐसे सील कर दीजिए, सील करने के बाद इसको फिर से उल्टा कीजिए और अभी अपने हाथ से ऐसे एक राउंड मोशन करके आप इसको फर्दर शेप कर सकते हैं। सारे डो बॉल्स को आपको इसी तरीके से शेप करना है और डो बॉल्स को आपको तब तक ढके रखना है एक डैम्प क्लॉथ से जब तक कि सारे डो बॉल्स आपके शेप नहीं हो जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार सारे डो बॉल्स आपके रेडी हो जाएं इस तरीके से, तो एक बटर पेपर लाइंड बेकिंग शीट के ऊपर इस डो बॉल को रखिए। अभी इन्हें हमको नीचे प्रेस करना है, तो अपने हाथों से इस तरीके से एकदम लाइटली प्रेस करके इसको हल्का सा फ्लैट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, हल्का सा करना है। ये स्टेप हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे बर्गर बंस एकदम राउंड नहीं बने, थोड़े से फ्लैट हो ताकि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाए। तो एक बार आपने प्रोसेस कर लिया है उसके बाद एक डैम क्लॉथ से बर्गर बंस को ढक दीजिए। ढकने के बाद आपको 30 मिनट्स के लिए इसको बेंच प्रूफ करना है। अब बेंच प्रूफ क्या होता है, ये सेकेंड प्रूफिंग होती है, इसमें जो हमने बर्गर बंस की हवा निकाल दी थी इसमें फिर से हवा इनकॉर्पोरेट होगी आधे घंटे में और ये बर्गर बंस साइज में बढ़ जाएंगे और फिर से राइज हो जाएंगे। तो ये भी स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट बेक करने मत डाल देना। एक बार आधा घंटा हो जाए तो मैं आपको बता देता हूँ बर्गर बंस आपके कैसे दिखेंगे। तो आप देख सकते हो कि हमारे बर्गर बंस में फिर से एयर इनकॉर्पोरेट हो गई और फिर से राउंड शेप आ गया। इस स्टेज पर इसके ऊपर हमें एक मिल्क वॉश लगाना है, बस बेसिक दूध ले लीजिए और एक ब्रश की मदद से सरफेस पे हल्का हल्का दूध लगा दीजिए। इससे बर्गर बंस का जो सरफेस है उसमें कलर अच्छा पकड़ेगा। एग वाला अगर वर्जन होता तो इसके ऊपर एग वॉश लगाते, बट यहाँ पर हम दूध लगा रहे हैं। एक बार आपने इसके ऊपर मिल्क वॉश लगा दिया है, इसके बाद इसको हमें बेक करना है। तो बेक करने के लिए अवन को प्री हीट करना बहुत ज़रूरी है, तो ध्यान देना है प्री हीट करना है 190 डिग्री सेल्सियस पर। ठंडे अवन में मत डाल देना अपने बर्गर बंस को, नहीं तो बेक ही नहीं होएंगे बराबर से। 190 डिग्रीज पे प्री हीट कर दीजिए। एक बार अवन का टेम्परेचर अचीव हो गया है तब इस ट्रे को लीजिए और सेंटर रैक में आपको इसको रख देना है, मतलब अवन के एकदम बीचों बीच रखना है। बीचों बीच रख के अवन में आपको 12 से 13 मिनट के लिए बेक करना है। तो 12 से 13 मिनट के बाद बर्गर बंस हमारे एकदम परफेक्टली बेक हो चुके हैं। आप देख सकते हो एकदम परफेक्ट कलर आ गया है, एकदम परफेक्ट शेप आ गया है। जब आपके बर्गर बंस गर्म ही हैं इनके ऊपर आपको मेल्टेड बटर ब्रश करना है, इससे आपके बर्गर बंस जो हैं वो एकदम मॉइस्ट रहेंगे। तो सारे बर्गर बंस पे मेल्टेड बटर लगा दीजिए और हमारे एकदम परफेक्ट स्पॉन्जी और एकदम लाइट वाले बर्गर बंस रेडी हो गए। ये थोड़े से 3-4 मिनट अगर रेस्ट हो जाएं उसके बाद बर्गर बंस को निकालिए और ऐसे एक वायर रैक पर रख दीजिए या बेकिंग ट्रे से निकाल के दूसरी जगह पर रख दीजिए, क्योंकि बेकिंग ट्रे गर्म होती है तो ये कूल नहीं होएंगे फटाफट, आपको कूल डाउन करना है इन बर्गर बंस को। तो इस तरीके से वायर रैक पर रखकर बर्गर बंस को ठंडा कर लीजिए। तो आपने देखा बर्गर बंस कितने परफेक्ट बने हैं हमारे, एकदम परफेक्ट कलर आ गया है, एकदम परफेक्ट शेप। मिल्क वॉश की वजह से थोड़ा लाइट कलर आता है, अगर इसमें एग वॉश लगाते हैं यानी कि अंडे के अंदर दूध या पानी डालकर उसको अंडे को ब्रश करते हैं अगर बंस के ऊपर, तो एकदम डार्क ब्राउन कलर आता है जो आप देखोगे कमर्शियली बर्गर बंस में कई बार ही होता है। तो अगर आप अंडे खाते हो तो एग वॉश लगा सकते हो, बट एगलेस वर्जन बना रहे हो तो मिल्क वॉश से भी काम हो जाता है। अवन का जो मैंने आपको बताया कि प्री हीट करना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार ये मिस्टेक होती है कि ठंडे अवन में हम डाल देते हैं और बेक करने रखते हैं, इसलिए टाइम और हर एक चीज़ चेंज हो जाती है। पहले अवन को प्री हीट करना है, फिर ही अवन के अंदर आपको ट्रे डालनी है बेक करने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, अवन जो है हर अवन अलग होता है, हर अवन की कैलिब्रेशन अलग होती है, तो आपका जो बेकिंग टाइम है वो थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। कई अवन में क्या है, टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होगा तो बर्गर बंस जल्दी बेक हो जाएंगे, या थोड़ा कम टेम्परेचर अचीव हो रहा है तो बर्गर बंस को टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आप ध्यान दीजिए, बस 10-15 मिनट की बात है, देखते रहिए। जैसे ही बर्गर बंस पे ऊपर कलर एक बार आ गया, आपके बर्गर बंस रेडी हैं, आप बर्गर बंस को बाहर निकाल सकते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है। मैं आपको अभी बता भी देता हूँ कि बर्गर हमारे कितने स्पॉन्जी और फ्लफी है और इसके अंदर का टेक्सचर कैसे है। आप देख सकते हो बर्गर बंस कितने सॉफ्ट बने हैं, कितने फ्लफी हैं। जैसे ही मैंने प्रेस किया बर्गर बंस सीधा ऊपर आ गया, और अभी मैं इसे कट करके भी बताता हूँ। आप अंदर देख सकते हो कितना प्रॉपर ब्रेड वाला टेक्सचर है, एयर पॉकेट्स एकदम परफेक्ट आए हैं, एकदम परफेक्ट सॉफ्ट बर्गर बंस टेक्सचर आया है और हमारे बर्गर बंस एकदम परफेक्ट बने हैं। मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल्स दिए तो आपको लग रहा होगा थोड़ा डिफिकल्ट है, बट जब तक आप कोशिश नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे बन रहे हैं। बट बर्गर बंस फ्रेशली बेक्ड जो होते हैं उससे जब आप बर्गर्स घर पे बनाओगे तो उसका पूरा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो बहुत चेंज हो जाता है। तो अगर आप बर्गर्स खाते हैं और आपको बर्गर्स पसंद हैं तो ये बर्गर बंस की रेसिपी ज़रूर ट्राई करो। आप इस पे थोड़े सेसमे सीड्स डालना चाहते हो तो जैसे ही आपने मिल्क वॉश लगाया उसके बाद सेसमे सीड्स ऊपर डाल दो,
बाकी प्रोसेस सेम रहेगा तो सेसमे बन बन जाएगा। और वो पोटैटो स्टार्च वाला जो मैंने आपको टिप दिया है, ये यूजुअली क्या होता है कमर्शियल रेसिपीज़ में एक्चुअल पोटैटो स्टार्च का पाउडर ऐड किया जाता है, बट घर पे वो ऑब्वियसली अवेलेबल नहीं होगा तो आलू से भी वो रेप्लिकेट किया जाता है और उससे काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टनेस मिलती है और फ्लफीनेस मिलती है आपके बर्गर बन में और बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं क्योंकि हमने इसमें अंडा यूज़ नहीं किया है। तो ये टिप का भी आप ध्यान दीजिए। बाकी जब भी बेकिंग कर रहे हो तो कप मेजर, टेबलस्पून और टीस्पून मेजर और आपकी एक मेजरिंग स्केल जो है ये बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। ये तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं बेकिंग जब भी करते हो, तो अगर बेकिंग अक्सर कर रहे हो ये तो तीन चीज़ों में इन्वेस्ट कर लीजिए तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी रेसिपी समझने में और आपकी क्वांटिटीज़ जब सही रहेंगी टू द टी रहेंगी तो आपकी हर एक चीज़ बेकिंग में बहुत अच्छी बनेगी। बर्गर बंस तो मैंने बता ही दिए हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक परफेक्ट क्रिस्पी चिकन बर्गर या क्रिस्पी चिकन सैंडविच जिसे कहा जाता है वो बताने वाला हूँ, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो। तो ज़रूर ट्राई करो ये बर्गर बंस की रेसिपी अपने घर पे, लेट मी नो इन द कमेंट्स, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू YFL इफ यू हैवंट येट। हैव एन अमेजिंग टाइम विद दिस इनक्रेडिबल एगलेस बर्गर बन रेसिपी एट योर होम। चीयर्स।